हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए इस वीडियो हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैं डॉक्टर के सी सिन्हा की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन करने के लिए। देखिए हमारा प्रश्न में बोल रहा है, इसके पहले हमने 19 प्रश्न तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिया है। अगर जो नहीं देखे तो उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या को अंक पलट सॉरी जब इस संख्या को अंक के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करना। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, संख्या पर आधारित हो और दो अंकों की संख्या एक संख्या बोले और बोल रहा है लास्ट में उनके अंक पलट जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद माना कि और इकाई अंक को एक्स और दहाई अंक को वाई मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या बोल रहा है, दो संख्या हमको मालूम नहीं है। इसके लिए हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई, पहली संख्या यानी कि इकाई अंक एक्स और दहाई अंक वाई। अब दो अंक बोल रहा है तो इकाई और दहाई तो होना चाहिए। अब संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10y+x। इतना आपको काम करना हर हाल में, इतना आपको याद रखना। उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब अंक बोल रहा है पलट जाएगा, संख्या हमारा क्या यहाँ पे है 10y+x है, 10x+y। अब ये नहीं आप कहिएगा कि हमारा 10x+y लिख सकते हैं संख्या बराबर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद अब चलिए प्रश्न से, प्रश्न में हमारा बोल रहा है प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे पढ़िए प्रश्न को, दो अंकों की एक संख्या है, तो एक संख्या हमारा क्या है, दो अंकों की एक संख्या क्या है 10y+1। एक ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, तो हम लोग पहली संख्या x, इकाई अंक कितना माने x और दहाई कितना 10y, तो ये हो गया हमारा क्या संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है हम लोग मान लिए। चलिए इसको लिख लेते हैं, दो अंकों की एक संख्या है यानी कि 10y और प्लस में x है, ठीक है। और इक्वल टू, अब बोल रहा है जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है। अब अंकों के योग क्या हो जाएगा, देखिए अंक यहाँ पे क्या है एक्स है, एक और अंक क्या है वाई है, तो योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई इंटू। अब बोल रहा है योग विभाजित की जाती है, देखिए यहाँ पे जब इस संख्या के अंकों का योग विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है, तो भागफल कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 10y+x, क्योंकि इसको ही विभाजित कर रहा है, तो भाजक हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है विभाजित की जाती है, तो देखिए विभाजित की जाती है किसको, इसके अंक के योग को, तो कितना से हमारा भागफल क्या आता है 6 आता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, तो सोल्यूशन कीजिए, यहाँ पे निकलेगा आपका हल, यहाँ पे देखिए 10y+x और इक्वल टू हो जाएगा क्या, गुना करेंगे तो 6x और प्लस में 6y हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं। अब इसको सजा लीजिए, 10 सॉरी हाँ 10y और ये हो जाएगा हमारा 6y, तो इस साइड हो जाएगा -6y, प्लस में x हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा माइनस में 6x, इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा क्या 4y और इसमें घटाएंगे तो माइनस आएगा 5x, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस जब कॉमन करेंगे तो हमारा 5x हो जाएगा और माइनस में 4y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। माइनस जब कॉमन करेंगे और बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि गुना में रहेगा तो भाग में है, तो यहाँ पे 0 में मतलब हो जाएगा क्या माइनस वाला प्लस में। यहाँ पे किस तरह से हुआ आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन कर लिए इसलिए माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद अब चलिए आगे में और प्रश्न में बोल रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पुनः। पुनः लिखने के बाद आगे प्रश्न पढ़िए, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या क्या है 10y+x है, यहाँ पे लिखेंगे 10y+x। अब इसमें बोल रहा है 9 घटा दिया जाए तो -9 कर दीजिए, तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक हमारा पलट रहा है तो क्या हो रहा है 10x+y, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10x और प्लस में वाई। इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10y और इधर में है माइनस में प्लस में वाई, तो इधर हो जाएगा माइनस में वाई, प्लस में एक्स है इस लाएंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा,
और इक्वल टू इधर में क्या है 9 है माइनस में, तो इस साइड भेजेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस में, घटाइए तो आएगा 9y, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा माइनस में 9x, और इक्वल टू आ गया है 9, यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं -9, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस, जब कॉमन करेंगे तो वाई होगा, तो माइनस में कॉमन होगा तो माइनस को हम लोग इसको पीछे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में 9x है, और जब -9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा +x बचेगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं x, और यहाँ पे प्लस है पहले से, अब माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस में हो जाएगा वाई इक्वल टू 9, अब ये 9 से 9 कट गया, और ये माइनस जो बचेगा ये मतलब कितना मतलब कटा है 1 मरतबे, तो इसको उस साइड भेजेंगे माइनस वाई और इक्वल टू हो जाएगा क्या इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। चलिए ये तो हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में ही ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करिए इसको घटा दीजिए, तो आप घटाइएगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे घटाकर आप काम कर सकते हैं, तो घटाइए इसको फटाफट। अब समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 में क्या कीजिए कि 4 से गुना कर दीजिए, और समीकरण 1 में 4 से गुना कर दीजिए, और समीकरण 2 में कितना से 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 में कितना से गुना कर दे 1 से, यहाँ पे गलत कर दिए, समीकरण 1 में 1 से कर दीजिए और समीकरण 2 में 4 से कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करके घटाने पर 2 में 4 से गुना करके घटाने पर, ठीक है। अब इसको काम कीजिए समीकरण 1 में कितना से करना 1 से, तो 5x हो जाएगा -4y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0, समीकरण 2 में कितना से करना है 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और माइनस में क्या हो जाएगा 4y और इक्वल टू हो जाएगा क्या 4, घटाना है तो घटा दीजिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, तो x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे देखिए क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 से 4 कट गया, इक्वल टू हमारा यहाँ पे बचेगा क्या -4 बचेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा यार, तो यहाँ पे माइनस जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बचेगा प्लस, x बराबर हमारा हो गया 4, x बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 कितना है 5x, तो 5x के जगह पे क्या रखना है 4 और माइनस में 4y और इक्वल टू 0, बच्चों को 20 हो गया, और माइनस में 4y और इक्वल टू हो गया 0, इसको उस साइड भेजिए तो -4y और इक्वल टू हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कट गया 4 5 20 हो गया, और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, x का मान 4 और y का मान आ गया है 5। अब अतः हम लोग को निकालना था संख्या, तो अतः संख्या हम लोग क्या माने थे, तो 10y और प्लस में x माने थे ना 10y + x, अब यहाँ पे मान रख दीजिए 10 और y का मान आ गया है 5 और प्लस में x का मान हमारा आया है 4, तो 10 5 50 और 4 54 आ जाएगा, यही जो आया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।